हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह इनके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स के 15 और 16 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल इनके क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों 15 अप्रैल के आगे क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स के। दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सी दो संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक है एम्स BHEL, ऑप्शन नंबर दो है एम्स एंड BL, ऑप्शन नंबर तीन है BHEL एंड BL, ऑप्शन नंबर चार है BHEL एंड HML। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक एम्स एंड BHEL। दोस्तों अभी हाल ही में हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम BHEL और एम्स ने तैयार किया है। दोस्तों ये हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है ये COVID-19 को मॉनिटर करने के लिए होता है, ठीक है। दोस्तों बात आती है एम्स की, तो जो एम्स का मुख्यालय है माने प्रथम एम्स नई दिल्ली में बनी थी और एम्स की स्थापना हुई थी 2 जून 1956 को, और इसके एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है रणदीप गुलेरिया। दोस्तों बात आती है BHEL की, तो BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों BHEL का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसकी CEO हैं नलिन सिंघल जी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक एम्स एंड BHEL। दोस्तों बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। आज का दूसरा क्वेश्चन है, कोलैब कैड डिजिटल सॉफ्टवेयर सिस्टम संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? इसके चार ऑप्शन है NICM और नीति आयोग, ऑप्शन नंबर दो है NICM, ऑप्शन नंबर तीन है NIC नीति आयोग और ऑप्शन नंबर चार है MN नीति आयोग। दोस्तों अभी हाल ही में कोलैब कैड डिजिटल सॉफ्टवेयर सिस्टम NICM और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। दोस्तों जो ये कोलैब कैड डिजिटल सॉफ्टवेयर है ये स्टूडेंट को 3D डिजाइन तैयार करने में मदद करता है। दोस्तों बात आती है NIC की, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं नीता वर्मा और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। बात करते हैं दोस्तों नीति आयोग की, तो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन हैं वो है भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और CEO हैं अमिताभ कांत और इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एम का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, अटल इनोवेशन मिशन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक NICM एंड नीति आयोग। दोस्तों बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, कोविड ज्ञान पोर्टल किन संयुक्त संस्थाओं ने लॉन्च किया है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है TIFR एंड IISC, ऑप्शन नंबर दो है TIFR एंड IISC एंड TMC, ऑप्शन नंबर तीन है IISC एंड TMC, ऑप्शन नंबर चार है इसमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों कोविड ज्ञान पोर्टल संयुक्त रूप से TIFR एंड ISC एंड TMC ने लॉन्च किया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों जो एक कोविड एग्जाम ऐप है इसका जो उपयोग है वो जो कोरोना वायरस के बारे में गलत सूचना फैलाते हैं इससे रोकना है। ये देश में 12 भाषाओं में काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर बात आती है TIFR की। TIFR का फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ISC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एंड TMC का जो फुल फॉर्म होता है वो टाटा मेमोरियल सेंटर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, TIFR एंड ISC एंड TMC। बढ़ते हैं दोस्त आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है राजकिरण राय जी, विरूपाक्ष मिश्रा, अरुंधति राय और अशोक कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विरूपाक्ष मिश्रा। अभी हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा जी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। दोस्तों बात आती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अभी 2 बैंक कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक इन दोनों का विलय कर दिया गया है यूनियन बैंक में। दोस्तों यूनियन बैंक का गठन कब हुआ था वो देख लीजिए। 11 नवंबर 1919 को यूनियन बैंक का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। दोस्तों राजकिरण राय जी यूनियन बैंक की MD एंड CEO हैं वर्तमान में। दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने आयुष सिंह डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है? इसके 4 ऑप्शन है IIT बम्बई, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, IIT गुवाहाटी। अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी ने आयुष सिंह डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है। दोस्तों माफ कीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। दोस्तों जो सामान्य स्टेथोस्कोप था जो कोरोना के मरीजों की देखभाल कर रहे थे डॉक्टर्स और उनकी टीम उन पे कोरोना का खतरा बना हुआ होता था, पर ये जो डिजिटल आयुष सिंह डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया गया है इससे ये खतरा कम हो जाएगा। दोस्तों IIT बॉम्बे के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है सुभाषिस चौधरी और IIT बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई थी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है 14 अप्रैल 2020, 15 अप्रैल, 13 अप्रैल और 12 अप्रैल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14 अप्रैल। दोस्तों विश्व में पहली बार चोगा रोग मतलब ये जो कीड़ों द्वारा होने वाले रोग होते हैं उससे उत्पन्न होने वाले रोग के प्रति जागरूकता करने के लिए विश्व में पहली बार 14 अप्रैल 2020 को चगास रोग दिवस मनाया गया है। दोस्तों ये जो चगास है ये कार्लोस जस्टिनियानो रिबिनो चगास के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14 अप्रैल। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का अभी हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक देसाई, ऑप्शन नंबर 2 है MB राजशेखरन, ऑप्शन नंबर 3 है मुकुल रोहतगी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी हाल ही में अशोक देसाई जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे इनका निधन हो गया है। दोस्तों ये भारत के अटॉर्नी जनरल जुलाई 1996 से मई 1999
तक अटॉर्नी जनरल थे और इन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने पैकेज को कितने परसेंट बढ़ा दिया है। दोस्तों अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने पैकेज को बढ़ा दिया है, तो ये कितना बढ़ाया है, $20 बिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, $20 बिलियन। दोस्तों एडीबी ने मार्च में $6.5 बिलियन कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन अप्रैल में इसको बढ़ा के $20 बिलियन कर दिया है। दोस्तों बात आती है एडीबी की, तो एडीबी का जो फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मसात सुगु आसाकावा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 कंट्री मेंबर हैं और जो एडीबी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स रोबोट दवा खाना आदि सप्लाई करेगा। इसके चार ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। दोस्तों अभी हाल ही में एक रोबोट कोबोट रोबोटिक्स कोविड-19 से जो मरीज हैं उनको दवा खाना आदि सप्लाई करेगा, ऐसा रोबोट विकसित किया है झारखंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, झारखंड। झारखंड के जो IAS हैं आदित्य रंजन जी, इन्होंने ऐसा रोबोट विकसित किया है। जो आदित्य रंजन जी हैं ये डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हैं अभी हाल में झारखंड में। दोस्तों बात आती है झारखंड की, तो झारखंड के जो CM हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन, यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल है रांची और स्थापना हुई थी, झारखंड की स्थापना कब हुई थी वो देख लीजिए, 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य कोविड-19 से लड़ने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का उपयोग करेगा। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है UP, ऑप्शन नंबर 2 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 है MP और ऑप्शन नंबर 4 है गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोवा। अभी हाल ही में गोवा सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाली है। दोस्तों बात आती है गोवा की, तो जो गोवा की कैपिटल है वह है पणजी, गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत जी और गोवा के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, कोसैक कियोस्क किसने तैयार किया है। इसके चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 है DRDO, ऑप्शन नंबर 2 है इसरो, ऑप्शन नंबर 3 है IISC और ऑप्शन नंबर 4 है IIT दिल्ली। दोस्तों अभी हाल ही में DRDO ने कोसैक कियोस्क लॉन्च किया है। दोस्तों जो कोसैक है ये कोविड-19 सैंपल कलेक्शन के लिए तैयार किया गया है, दोस्तों बात आती है DRDO की, तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है उसका होता है DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है G. सतीश रेड्डी और हेडक्वार्टर जो है DRDO का वो है न्यू दिल्ली। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की इकोनॉमी कितनी रहने का अनुमान लगाया है। इसके चार ऑप्शन है, 1.5% to 2.8%, 1.5% to 2.1%, 1.5% to 3%, 1.5% to 4.8%। दोस्तों अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत की
इकोनॉमी 2020-21 में 1.52-2.8% रहने का अनुमान लगाया है। जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, इसमें ये कहा गया है कि जो भारत है उसकी इकोनॉमी 2020-21 में 1.52-2.8% रहने वाली है। दोस्तों आती है बात वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है यूनाइटेड स्टेट में, और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती कब मनाई गई है? दोस्तों अभी हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, इसे भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। इन बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1895 में महू में, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 अप्रैल का कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने कौन सा कॉल सेंटर लॉन्च किया है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक है ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर, ऑप्शन नंबर दो है ऑल इंडिया एग्री कॉल सेंटर, ऑप्शन नंबर तीन है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर चार में से कोई नहीं। दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार ने ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर कृषि मंत्रालय ने चालू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। दोस्तों ये लॉन्च किया गया है भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा, और जो ये टोल फ्री नंबर लॉन्च किया वो नंबर है 1880-4482-44-88। दोस्तों ये जो ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर है, इस पे आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आपको फल सब्जी कीट कीटनाशक बीज आदि को ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये कॉल सेंटर आपको उसमें समाधान करने में मदद करेगा। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, 2020 में होने वाले एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? इसके चार ऑप्शन है, चीन बांग्लादेश भारत और श्रीलंका। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन भारत। दोस्तों बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में बताया कि 2020 में होने वाले एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत करेगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हिंदी में अर्थ होता है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है अजय सिंह। जो ये 2020 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है, ये नवंबर दिसंबर में होगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार किसमें IGST पर छूट देने का फैसला किया है? इसके चार ऑप्शन है, PPE एंड वेंटिलेटर, किस बीजों में, ऑटोमोबाइल में, उनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार ने PPE और वेंटिलेटर में IGST जो लगती थी उस पर छूट देने का फैसला किया है। IGST का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। दोस्तों बात आती है PPE की, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वेंटिलेटर और मास्क सैनिटाइजर आदि पे जो 12% IGST लगती थी इसको हटा दिया है, और इसमें जो छूट होगी वो 1 अप्रैल से मान्य होगी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोरोना वायरस इलाज में लगे टीम के लिए एंटी माइक्रोबियल स्प्रे बनाया है? इसके चार ऑप्शन है, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली और IIT रुड़की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के छात्रों ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस इलाज पे लगे टीम, डॉक्टर्स नर्स
आज और जो भी स्टाफ होता है उसको कोरोना वायरस से बचाने के लिए एंटी माइक्रोबियल स्प्रे तैयार किया है। दोस्तों जो ये स्प्रे है ये कॉपर सिल्वर और अदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं ये जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करेंगे, जिससे जो स्टाफ को कोरोना वायरस का खतरा बना रहता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज कौन सा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसके चार ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। दोस्तों अभी हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार सीरीज पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसकी लॉन्च प्रहलाद सिंह पटेल जो कि स्वतंत्र प्रभार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। दोस्तों पर्यटन मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, 1967 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। दोस्तों देखो अपना देश वेबिनार सीरीज जो लॉन्च हुई है ये जो है वो भारत के पर्यटन क्षेत्र की इन्फॉर्मेशन कल्चर के बारे में सूचना देगा। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। इसके चार ऑप्शन है, यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड। दोस्तों अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों अभी हाल ही में ICAMR ने इजाज़त दे दी है यूपी सरकार को कि आप पूल टेस्टिंग कर सकते हैं। पूल टेस्टिंग क्या होती है दोस्तों, पूल टेस्टिंग में क्या होता है, एक साथ 10 सैंपल की जांच की जाएगी। अगर इनमें से ये सैंपल जो है अगर निगेटिव आता है तो पूरे सैंपल को माना जाएगा, पूरे जितने भी 10 सैंपल हैं वो सब निगेटिव हैं। अगर एक भी अगर ये सैंपल पॉजिटिव आ जाता है तो फिर जो सैंपल में 10 मिलाए गए थे अलग अलग सैंपल अलग उनको अलग अलग टेस्टिंग की जाएगी। दोस्तों बात आती है यूपी की, तो यूपी की जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, यूपी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, कैपिटल है लखनऊ, इसकी स्थापना हुई थी 1950 को और यूपी में 75 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा में 403 सीटें आती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है। इसके चार ऑप्शन है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वन प्लस। तो दोस्तों अभी हाल ही में गूगल ने अपने स्थानीय स्टोर की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है। दोस्तों गूगल की बात आती है तो गूगल के जो CEO हैं उनको नाम है सुंदर पिचई और जो गूगल का मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, कैलिफोर्निया में US में है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। इसके चार ऑप्शन है, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 13 अप्रैल और 16 अप्रैल। दोस्तों विश्व भर में 15 अप्रैल को, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। इसके अनुसार विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऑफ आर्ट का विभिन्न रंगमंचों पर अपना प्रदर्शन करती हैं। दोस्तों ये रहे 15 और 16 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे NK क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आज 15 और 16 अप्रैल दोनों डेट के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको पाना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।